one yesterday. So. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasati Sri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama राम राम हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि नमामि सारं सचिदानंद रूपं लसद कुंडलं गोकुले रजमानं जसोदाभियोलो कलाब्दाबमानं परामृष्टमातां ततो दंतं मूर्नेत्रं जुग्मं विजान्तं करांबोज जुग्मेन सातंकनेत्रं मूर्शासकंप श्रीरेखांककंठ ईदृक्षली नाभिरानंदकुंडे सघोषनिमज्जन्तं आच्छापयन्तं तोदीयसितग्नेषु भक्तैर्दिशतं वरं देवमोक्षं न मोक्षं बुधिं वा न चान्नं विनेहं वरे सादपि इदन्ते वपूर्णथ गोपाल बाल इदन्ते मुकाम्बुज वक्तनिलये भृतं कुन्तलये स्निग्ध रक्तैश्च गोपा मुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तादरं नमो देवदामोदरायन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं कृप
पादिष्टिभिष्टाते दीनां वतानो कुबेरात्मजो वधमूर्तये वजाद्वत् तयामोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ते सकां मे प्रजाच नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्ति दाम्ने तदीयदरायत विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकावोये तदीयप्रियावो नमो राधिकावोये तदीय प्रियावोये नमो नन्दाय देवाय जय दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा दाम जय दामोदर राधा दामोदर दामोदर राधा जय राधा दामोदर की जय श्री राधा। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्वांत भक्ति वेदांत श्री रामानंद गोस्वामी महाराज का वही चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीलावृष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्वांत भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश श्रीमान भक्ति वेदांत स्वयं हर के चरण कमलों में मेरा यथाथ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम एवं उपस्थित समस्त श्रोतृवृंद सभी के यथार्थ सादर अभिनंदन। हम कल से श्री श्री राधा दामोदर अष्टम की कुछ कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें गुरुदेव की जहाँ पर दिग्दर्शनी वृत्ति की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। पहली श्लोक जो है ये नमामि सरं सचिदानंद रूपं लसद कुंडलं गोकुले भ्रजमान जशोदाभ्योलु खलाब्धमान परामृष्ट मित्तं मत्तं ततद्रुत गोपा। पहली श्लोक की कथा का हम लोग ने श्रवण किया था। जिसमें इस कार्तिक महीने में सत्यव्रत मुनि जो इस दामोदर अष्टक के जो है हमें श्रवण करा रहे,
कल हम लोग यहाँ तक भी श्रवण किया था, ये कृष्ण बाल गोपाल अभी सोए हुए और माँ यशोदा क्या कर रही है, प्रातः काल में उठ करके स्नान आदि करके छौम वस्त्र मैंने साफ सुधार, आप तो संस्कृत जानते हो, तब छौम वस्त्र अत्यंत सुंदर निर्मल सूक्ष्म वस्त्र आदि परिधान करके अपने गोपाल के लिए दधिमंथन कर रही है मक्खन, क्योंकि हर रोज ये गोपियां आकर के माँ यशोदा के निकट उल्हाना देती है, ये तुम्हारे कन्हैया हमारे घर में आकर के उपद्रव मचाती है, केवल मक्खन तो चोरी नहीं भी करते हैं, जिस घर में अच्छी मक्खन भी नहीं है उस घर में क्या कर देते हैं, पहले पैखाना पिसा भी कर देते हैं, अरे तुम्हारे घर में अच्छी मक्खन नहीं है, किसी के घर में जो है गोदहन के समय या दूध जो दहन करने समय बछड़ा को जो है छोड़ देते हैं और उस समय वे दूध काढ़ना बंद करके फिर बछड़े को संभालने के लिए चले जाते हैं और इतने समय वो पीछे से घूम करके आकर के दूध के पी लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। किसी घर में छोटे बच्चे सोए हुए हैं और गोपी अपने दधि मंथन करें और वो पीछे से जा करके उस घर में क्या बच्चे को जो है ये कर दे, है चिकोटी कर दे, चिकोटी बोल दे समझे, अच्छा काटते रहे और बच्चा रोना शुरू करते है, उसको सांत्वना देने के लिए जब मैं चली जाती हूँ और बालों पीछे कृष्ण पीछे से आकर के हमारे दही मक्खन के जो है खा लेते हैं, नहीं पी लेते हैं, नहीं तो नष्ट कर देते। इसी प्रकार हर रोज कहीं न कहीं गोपियां आकर के माँ यशोदा के निकट शिकायत करते हैं। माँ यशोदा मन ही मन सोच रही है ये हो सकता है हमारी ये परिचारिका जो है माँ यशोदा के ये परिचारिका जो है सेविका जो है और ठीक से गोपाल के जो है सेवा कर नहीं पाते और इसलिए माँ यशोदा आज विचार करने लगे मैं अपने हाथ से आज मक्खन जो है प्रस्तुत करूंगी और अपने हाथ से आज गोपाल को मैं खिलाऊं ताजे ताजे मक्खन। तो माँ यशोदा विश्वास नहीं करती थी ये कृष्ण कैसे उनके घर में जाएंगे। काल हम लोग भी एक कथा भी श्रवण कर रहा था, ये देखो ब्रज में सबसे जो सुगंध युक्त जो दूध व दही ये केवल नंद महाराज के घर में वो गाय है जिस गाय पद्मगंधा नामनी गाय जो है वो दूध देती है, दो घर में है बस, एक किसी घर में विश्वानु महाराज के घर में है और दूसरी नंद महाराज के घर में, ये गाय किसी के घर में नहीं है, जो गाय अच्छी से सुंदर सुगंध युक्त पद्मगंधा युक्त जो दूध देती है अत्यंत स्वादिष्ट दूध है और उसी दूध की दही और मक्खन आदि गोपाल के जो है भोजन कराया जाता है। तो कृष्ण घर में भोजन नहीं करता है, कहते मैया मेरा भूख नहीं है, ये नहीं है, इधर उधर, और दूसरी घर में जाकर के चोरी करते कैसे कैसे मान लेंगे,
इसलिए मानती नहीं थी, हंस करके बस इस कथा को टाल देती। किंतु देखो बार बार कोई शिकायत आ जाए तब मन में क्या लगता है, संदेह जगता है, विश्वास नहीं होने पर भी तथापि जब कोई बार बार जो कोई बोले तब मन में क्या लगता है, संदेह लगता है। हो सकता है हमारी बालक ठीक से भोजन नहीं करता है इसलिए दूसरे घर में चले जाते। इसलिए माँ यशोदा यही कार्तिक महीने में विशेष करके दीपावली होते है, दीपदान होती है, कल मैंने बताया था कार्तिक महीने दीपदान की महिमा जो है शास्त्र में पुराणों में बुरी बुरी प्रशंसा की बताया, बुरी बुरी प्रशंसा की, ये विशेष वैशिष्ट दिखा। इसलिए माँ यशोदा ने कह कि आज समस्त परिचारिका को सेविका को छुट्टी दे दी, जाओ तुम अपने घर में आज दीपावली दीपावली मनाओ, घर में दीपावली मनाओ, इस अवसर पर इस समय पर मैं ही स्वयं जो है अपने हाथ से मक्खन बना करके मैं एक पाल में निकाला। ऐसे विचार करके माँ यशोदा ने आज प्रातः काल में बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में और दधि मंथन करने के लिए बैठे, इसकी सुंदर कथा जो हमारी शिल सनातन गोस्वामी पाद दिग्दर्शनी टीकाओं में वर्णन कर रहे हैं। ये माँ यशोदा किस प्रकार दधि मंथन कर रही है, काल एक सब कथा में इसलिए काल कल की थोड़ा कथा उसके रिपीट करता हूँ। दीपावली का त्यौहार था, मैया घर के सभी सेवक सेविका को अवकाश दे दिया, मंगला गंगा पिशंगी आदि पद्मगंधा गायों का दुग्ध स्वयं दोहन कर और उसके गर्म करके फिर दूध जमाया, ये दही जमाया नहीं? और उसी के जो है वो आज मंथन कर रही है, दधि मंथन कर रही है। इसकी कथा की अनेक कथा हम लोग श्रवण किया। ये माँ यशोदा जब दधि मंथन करती है कैसे भाप में डूब करके दधि मंथन कर रही है, यह तात्पर्य है प्रभु की सेवा, भगवान की सेवा कैसी होनी चाहिए, अपनी स्वयं करना चाहिए, जहाँ पर ममता होती है प्रीति होती है वो ममता प्रीति स्वयं करना चाहिए कि नहीं चाहिए, काल में तो प्रेम किस प्रेम की परिभाषा क्या याद है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, अनन्य ममता होनी चाहिए किसमें, भगवान विष्णु में। विषय लोग विषय में ममता रखते हैं, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के प्रति ममता रखते हैं, रखते हैं कि नहीं। सेवा की परिपाटी तब होता है दो कारण से, एक होता है संबंध ज्ञान और दूसरी ममता हो, यदि संबंध ज्ञान नहीं हुआ वो सेवा ठीक से नहीं होता है और साथ ही साथ ममत्व बुद्धि रहना पड़ता है, ये मेरा मेरा है मुझे सेवा करना है। जैसे इस संसार में माता पिता अपने पुत्र संतान की पालन पोषण करते हैं
है ममता के साथ, मेरे पुत्र है। स्नेह ममता ही हमें भक्ति राज्य में आगे लेकर के चलते हैं। दो प्रकार फिर स्नेह व ममता के फिर दो प्रकार के कार्य हैं, एक होता है गीत स्नेह और एक होता है मधु स्नेह। गीत स्नेह उसके कहा जाता है घी, जिस घी हम व्यवहार आदि करते हैं, घी हम ग्रहण करते हैं, किंतु घी में अपना कोई है स्वाद अपने साथ नहीं, घी के साथ कुछ वस्तु मिलाने पर उसके स्वादिष्ट होता है, है? जैसे थोड़ा शहद मिला दिया जाए घी में, कि चीनी डाल दिया जाए, कपूर थोड़ी सी कपूर डाल दिया जाए, केम्फर क्या बोले काली मिर्च के थोड़ा सा उसे दिया जाए, थोड़ा सा हल्का से एक बूंद नमक भी डाल दिया जाए, है अनेक और वस्तु सम्मिलन करने पर और उसके चटने पर स्वादिष्ट होता है। और मधुबनी शहद, शहद में कोई वस्तु मिलाना नहीं पड़ता है, शहद जस्ट लेकर के आप चाटो, देखो इतने स्वादिष्ट होते हैं। दूसरी यह बात है घी ठंडी में जम जाता है और गर्मी में अपने आप वो पिघल जाता है, और शहद वो एक ही जैसा रहता है, कि ठंडी हो गर्मी हो वो एक ही रहता है, उसके परिवर्तन नहीं होता है। तात्पर्य क्या है, ब्रज में दो प्रकार की सखियां हैं, एक गीत स्नेह संपन्न सखी है और एक मधु स्नेह संपन्न सखी है। कृष्ण मेरा है और मैं कृष्ण के हूं, आप कौन सा चाहते हो है? मैं कृष्ण का और कृष्ण मेरा है, इसमें अधिक ममत्ता आ जाता है, मेरा है मध्यत्व भाव आ जाता है। संसार में दो प्रकार वस्तु होता है, एक आईनेस और माइनेस, अहंकार ममता आकर की चित्त के जो है वो कड़ीभूत कर लेते हैं। सुनिए अच्छी तरह विचार, इस संसार में भी जैसे हम रहते हैं, मैं पिता हूं मैं माता हूं होते हैं, ठीक उसी प्रकार चित्त जगत में नंद महाराज क्या अभिमान रखते हैं, मैं पिता हूं मैं कृष्ण के पिता हूं और कृष्ण मेरा पुत्र है, ये अहंकार ममता आ रहे भक्ति राज्य में उसी प्रकार भी अहंता ममता, अहंता माने मैं करने वाला और ममता मेरे होने के नाते मैं ही उसकी पालन पोषण करता हूं। वास्तविक संसार में दिखाई जाता है न तुम्हारे पुत्र है और न तुम्हारे वो है, जीव तत्व है संसार में बद्ध जीव, अपने को इस संसार में अहंकार ममता में पड़े रहते हैं और कुछ नहीं है। पहले संसार की कथा हम श्रवण करें है, मेरा बेटा है मेरा बेटी है, कौन सा जन्म में तुम्हारे बेटी था ना बेटी था है? समझ में आ रहा है, सर से आत्मा है इसलिए हम मान रहे हैं, वही शरीर से जो आत्मा चली जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, वो अहंकार ममता चली जाती है, रहता है
जिसको आप कह रहे मेरे पुत्र है, मेरा पुत्री है, मेरे कन्या है, पति है, जो कुछ भी कह रहे हैं, एक ये सप्त जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है तात्कालिक सप्त कहा जाता है। क्या बोला? इस समय तक है। और द्वैतवादी लोग क्या बोलते हैं? सब झूठा है। और वैष्णव विचार में कहते नहीं, ये मेरा मां नहीं है, मेरा पिता नहीं है, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा बहन नहीं है। हाँ, उसी तक जब तक शरीर में आत्मा रह रही है। और आत्मा जब चली जाती है तो हम लोग कहते हैं मेरे पिताजी चले गए, बोलते हैं ना, कहाँ चले गए, गए है? हिंदी में क्या बोलते हैं? गए। कहाँ गए? इंग्लैंड गए, अमेरिका गए, फिर लौट करके आएंगे ना, है? कब आएंगे? जो गए गए, कभी लौट करके नहीं आए, है? आएगा, इस शरीर में नहीं आएगा, है? आत्मा जब जिस शरीर से जब चली जाती है, उस शरीर से वो पुनः नहीं आएगी। इस संसार की वस्तु के पहले हम कहते हैं ना, ये भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए यदि हम ये अनुभव नहीं हो रहा, परीक्षा लोग का ईमान हो, इस संसार को भली भांति अनुभव करके देखे, ये संसार दुखमय है क्या सुखमय है? जिस दिन हमारी अनुभव हो जाएगा ये संसार दुखमय है, हम उस समय संसार को छोड़ देंगे। अभी हम बोल रहे हैं, अब भी सुन रहे हैं, किंतु वास्तवता अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया, नल में पानी आ रहा है और उसमें किसी तरफ से करंट योग हो गया, आप जानते नहीं है, हाथ लगा दिए पानी और साथ ही साथ क्या हटा दिया, अरे झटका में करंट आ रहे, फिर दोबारा हाथ नहीं लगाओगे, आप लगाओगे कि अनुभव हो गया इस जल में पानी में करंट लगा। ठीक उसी प्रकार जब जिस अनुभव हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, आत्म अनुभूति हो जाता है, तब इस संसार से अपने आप ही वैराग्य हो जाता है, है? ज्ञान है किंतु विज्ञान नहीं हो रहा है। जिस दिन विज्ञान हो जाएगा तो हम संसार से अलग हो जाते हैं। बात ऐसे ही है कि नहीं? हजार हम समझाएं, हजार अब भी बोले नहीं हो रहा। नांगात्मा प्रवचन लब न मेधया न बहुना सुते न जौ में वैश्य बृणते ते न लब तैसे आत्मा विवृणते तनुश्याम। जब स्वयं भगवान अपने स्वरूप के जाए भक्त के हृदय में जब प्रकाश कर देते हैं, वो सब तब उस समय अनुभव हो जाता है। हजारों प्रवचन सर्वनादि के द्वारा नहीं हो रहा है, प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा हो तब अनुभव हो जाता है, तब ये संसार अनित्य जानकर को छोड़ देते हैं। और उसके पहले जो कुछ भी है ज्ञान वैराग्य जो है वो यथार्थ नहीं होता है। अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं अधिक रूप में सब क्या होता है, क्या आरोप सिद्धा भक्ति में जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये नहीं कर जो आप भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति कर रहे, किंतु कौन सा भक्ति आचरण कर रहे हैं? आरोप सिद्ध इम्पोजिंग है, साधु गुरु शास्त्र बोले उसका हम मान करके कर रहे हैं, है? इतना ही तक बस। फिर आरोप सिद्धा भक्ति के बाद दूसरी स्टेज में हम आ जाते हैं, उस फिर कहा जाते क्या बोलो, संग सिद्धा भक्ति, संगेन सिद्ध जायते थी संग सिद्ध, संत महात्मा की साधु संघ में जब हम बैठते हैं, कथा आदि श्रवण करते हैं, भक्ति की प्रारंभ शुरू करते हैं, तब भक्ति सद्गुण हमारे हृदय में आ जाता है,
क्योंकि भक्ति के अनुष्ठान करने से ये सद्गुण अपने आप आ जाता है। जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, अकिंचना भक्ति शुद्ध भक्ति अनुष्ठान करने पर और हृदय में स्वाभाविक एक गुण आ जाएगा। कौन सा गुण आ जाएगा? सत्व सूचो दया पवित्रता आस्तिकता, सद्गुण आ जाता है। 26 प्रकार के जो वैष्णवी गुण जो बताया गया, कितने प्रकार के? 26 टाइप्स ऑफ द क्वालिटीज। वो धीरे 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 आते हैं, सत्व शौच दया पवित्रता आस्तिक, ये सद्गुण आएगा वो है जरूर आए। फिर तीसरी स्टेज में जब आ जाते हैं फिर उसके क्या कहा जाता है? स्वरूप सिद्धा भक्ति। धीरे धीरे चित्त जितने भी निर्मल होते जाएगा है, कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा चित्त जितने भी निर्मल होते जाएगा, यथा यथा है, अभी श्लोक ये बताता रहा, मैंने सूर्य उदित होने के साथ ही, सूर्य उदित होने के साथ ही साथ जिस प्रकार अंधकार दूर हो जाते हैं और चारों तरफ प्रकाश हो जाते हैं, सब कुछ उजाला हो जाते हैं, हमें दिखाई पड़ता रहता है, अंधकार में दिखाई नहीं पड़ता। तात्पर्य से उसी प्रकार जितना हम भक्ति के अनुष्ठान करते जा रहे हैं, शुद्धा भक्ति के अनुष्ठान करते जा रहे हैं, चित्त हमारे उतना ही निर्मल होते जा रहे हैं है? और धीरे धीरे आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो जाता है, है? और वो आत्म की ऊपर उपलब्धि हो, आप तो उपलब्धि जब हो जाता है? आत्म अनुभूति हो जाता है, अपने स्वरूप के ज्ञान उपलब्धि हो जाता है, और तब शुद्ध आत्मा के द्वारा ही हम भगवान की सेवा आदि करते हैं। इसलिए भक्ति के जो कह रहे हैं, भक्ति कब शुद्ध भक्ति हम कब अनुशीलन करते हैं, भक्ति के तो अनेक डिफिनेशन देते जा रहे हैं है? भक्ति के डिफिनेशन बताओ, ये तो सर्वोत्तम कहा गया, तो बाद में आएगा ना, अभी साधारण बोलो है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितन निर्मलम हिसी के न हिसी के सेवनम भक्ति और उच्यते। भक्ति के ही तो डिफिनेशन है, सर्व उपाधि समस्त प्रकार के उपाधि डेजिग्नेशन जो है परित्याग करते, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितन निर्मलम, इसके बाद चित्त क्या होता है? निर्मल हो जाता है। हिसी के न हिसी के अप्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा अप्राकृतिक इंद्रियाधिपति कृष्ण की जहां सेवा आदि करते हैं, उसी की भक्ति कहा जाता है, है? क्योंकि भागवत सेवा जो है जड़ इंद्र के द्वारा नहीं होता है। हम जो आंखों की तरह भगवत दर्शन करते हैं, हमारे आंख क्या है? जड़ है। और भगवत विग्रह, भगवत नाम गुण लीला, ये क्या है? सब चिन्मय है। आंखों की तरह हम जो देख रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं मेरे, ये हमारी जड़ नेत्र जड़ बुद्धि आ रहे हैं, ये पत्थर है कहाँ से, कौन सा मार्बल है, बुद्धि आ जाता है, जड़ बुद्धि होता है। बात ऐसे ही कहेंगे ठाकुर जी के सुंदर में ड्रेस पहना या पोशाक परिचय लगा, कहाँ तो ठाकुर जी आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, और ठाकुर जी की ऐसी रख दिया जाए बोले आज ठाकुर जी के अच्छा है। हम भोजन करते हैं है? हमारे अनुकूल के अनुसार यदि भोजन माने वस्तु हो तो हम उसके शिकार करते हैं है? बात ऐसे ही, अभी हम जितने भी करते सब आरोप करते जा रहे हैं, किंतु वास्तव अपराकृत वस्तु है सुपर निशा, वो अपराकृत वस्तु कब हम उसके अनुभव करेंगे? जब इसी स्थिति में आ जाए है? मेरे गुरुदेव जी बामन गोस्वामी महाराज, उनके निकल जो प्रसाद रख देते हैं ना, जो रखते हैं ना उसी उतना ही ले लेते हैं, उनके हाथ जहाँ तक जाते हैं बस,
ये सेवक क्या करते थे, एक एक करके गुरुदेव एक रंग उतना ही तरह लेते थे जितना समय। फिर प्रसाद की बात कोई सेवक पूछ लिया, मैंने कोई व्यक्ति पूछ लिया, गुरुदेव आज वो प्रसाद कैसे था, गुरुदेव बिगड़ जाते थे। मेरे गुरुदेव जी पावन कृष्ण सिंह, अरे प्रसाद ठाकुर जी के भोग लगे तो महाप्रसाद है। उनकी विचार एक अपूर्व था, वो अपरागित था। हम तो कहते हैं आज प्रसाद बहुत स्वादिष्ट हुआ, आज नमक कम हो गया ज्यादा हो गया, हम विचार करते हैं। बोले भगवान की जब भोग लगा दिया ठंड स्वयं भगवान जब ग्रहण कर लिया है, और स्वयं भगवान किसी अपने उच्छिष्ट हमें प्रदान किया, कितना सुंदर। महाप्रभु की देख विचार देखिए, जय जगन्नाथ की प्रसाद आती है, महाप्रभु प्रसाद दे करके फेला फेला बुढ़िया भजन फेला फेला करके रोते थे। कितना सुंदर वो भाव होता है मां, इसलिए जो उत्तम उत्तम कटि के महाभागवत हो जाता है ना, उनकी विचार कितने उन्नत स्तर में पहुंच जाते हैं। हमारे विचार में एक उत्तम भागवत के विचार में ही अंतर हो जाता है। जो जितने परिमाण अपने स्वरूप के ज्ञान करके आगे चलते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, वो उतने ही उसके अनुभव होते जाते हैं। इसलिए कर रहे हैं जो शास्त्र में ये लिखा, शास्त्र में क्या बोल रहे हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्र निर्मनम हिसिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। भक्ति के उदाहरण ये दे रहे हैं। फिर भागवत में तो क्या बोलते जा रहे हैं, भक्ति के क्या बोल रहे हैं, सभी पुंसांग परो धर्म जतु भक्ति अधिक अहितु की अप्रतिहता जो आत्मा संप्रसिद्ध। सभी पुंसान परो धर्म जतो भक्ति अधोस्कजे अहितु की अप्रतिहता जो आत्मा संप्रसिद्ध। भक्ति के कितने सुंदर से बताते, भागवत में बताते जा रहे हैं, भक्ति के भी बर्मिया बता रहे हैं। सुनक आदि ऋषि लोग सुत गोस्वामी पाद के निकट जो छह प्रश्न किया था, ये द्वितीय प्रश्न ही था, आत्मा प्रसन्न किस में हो, कैसे हो आत्मा के बारे, भगवान प्रसन्न कैसे हो, हमारे चित्त कैसे प्रसन्न हो, यही था। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अयोग अहित की अप्रीति आता, भक्ति के यहीं पर भी विशेष, भक्ति कैसे होनी चाहिए, अहित की और अप्रीति होता है, हेतु नहीं, एक हेतुमूला भक्ति है और एक अहितमूला भक्ति है, और अप्रीति होता जिसमें किसी प्रकार बाधा न हो। भक्ति निरंतर सच्चा निर्मल गंगा जल की भांति कल कल करके समुद्र की तरफ जैसे मिलने के लिए चाहती है, हिमालय की हिमबाह से प्रवाहित होकर के गंगोत्री से गंगा प्रकट और आकर के कल 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 करते सारी बाधाओं के जो है दूरीभूत करते हुए कैसे जा रहे आगे हैं। अच्छा देखो शुभ कर्म करो कहीं ना कहीं बाधा आएगा ही है। हमारे विश्वनाथ चक्र एक टीका में भी वर्णन करते हैं, ये देखो हिमालय की सूच प्रदेश में वही जल जब बर्फ रूप में जम जाता है, बर्फ हो जाता है, और देखो बर्फ जब गल जाता है माने पानी रूप धारण कर लेते हैं, और देखो वही जलधारा जब नीचे आता है कितने बाधा को वो टकराते रहते हैं, ऐसे नहीं है, टकराते हैं ना। देखो आप ऋषिकेश के ऊपर जाओ, देखो जलधारा कितने पत्थर के ऊपर वो टकराते 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 टकराते
नीचे आ जाता है, है? और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। वो जलधारा एक संकल्प कर लेते हैं, है? वो जलधारा एक संकल्प कर लेते क्या, ये मुझे समुद्र में मिलना है। तात्पर्य क्या है, ये साधक जब ये संकल्प कर लेते हैं ये मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है, रुको मत, लक्ष्य तक जब पहुंचे। स्कूल में लिखा रहता है, दर पर लिखा रहता है, है? आए हैं किस लिए, क्या लिखा रहता है, बस सुंदर शब्द लिखा रहता है, विद्या अध्ययन के लिए ना, तात्पर्य लिखा रहता है, और जाए वितरण करने के लिए, सेवा के लिए, है? विद्यालय में लिखा रहता है, आए हैं ज्ञान अर्जन करने के लिए और विद्यालय से जाओ वितरण करने के लिए। कितना सुंदर ये भाव, पहले हम ये भौतिक जगत की कथा हम सुन लेते हैं, है? बात ये सही है कि नहीं? अब स्कूल में जाते हैं किस लिए, लेने के लिए, माने ज्ञान लेने के लिए, और स्कूल से जब आप डिग्री लेकर जब आ रहे हैं, किस लिए डिग्री लेते हो, दूसरे के देने के लिए, है? महापुरुष के विचार उसी में लगा देते हैं, महापुरुष ले रहे हैं, है? राधा जी के प्रेम को एक हाथ से ले रहे हैं और लेकर के और दूसरी हाथ में दे रहे हैं। विद्या हमारी उसी प्रकार ही है, है? जड़ विद्या कहें और अपराकृत विद्या भी कहें, ले है उसकी चाखे, माने उसके अनुभव करें कितना स्वादिष्ट है, फिर दे दे। महाप्रभु ये वितरण कर रहे हैं, अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण करो समर्पयत उन्नत उज्जल संसभक्ति श्रियम हरि ही पुरुष सुंदर कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शचिनंदन। शचिनंदन गौर हरि स्वयं आस्वादन करके और दूसरे के आस्वादन करा रहे, अनर्पित चरिंग यही तो बोल रहे, अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण करो समर्पयत उन्नत उज्जल संग सभक्ति श्रियम हरि पुरुष सुंदर दिदी कदम संदीर्पित सदा हृदय कमदरी स्फुरत बसे चिरंदन। हमारे रूप गोस्वामी तो यही वर्णन कर रहे, महाप्रभु की इतनी महाबदन्नता न भूत न भविष्य। हम जब इसी आज देखते हैं करुणा में भक्ति और संग चैतन्य महाप्रभु की इतने विशेष वैशिष्ट बता रहे हैं, कृष्ण अवतार में जो जो नहीं किया और गौर अवतार में ये देते जा रहे हैं सबको, अपने जो करुणा शक्ति के चैतन्य महाप्रभु मन कृष्ण संग आज क्या कर दिया, हे करुणा शक्ति मेरे कृष्ण अवतार में तुमको जो मैं बंद करके रखा था, जो मैं दे नहीं पाया, है? आज मैं गौर अवतार में तुमको मैं आदेश दे रहा हूं। कौन बोल रहे, महाप्रभु, वही कृष्ण गौर अवतार के आए। करुणा शक्ति बोले, हे करुणा जाओ लगामहीन घोड़े के भांति दौड़ते रहो। लगामहीन सोचते कि नहीं, जिस घोड़े में लगाम लगा रहता है उसके छोड़ दिया जाए, जाओ कोई रोकथाम नहीं है, जहां तक तुम जा सकते चलो, है? सबके ये करुणा के वितरण करो। कृष्ण मानो ये कह रहे हैं और गौर सुंदर ही कह रहे हैं, ये मैं कृष्ण अवतार में जो मैंने दिया प्रेम तो दिया, वो प्रेम सीमित रूप में और केवल ब्रज में और ब्रजवासियों को दिया, ब्रज के वृक्ष लता तरु लता को मैंने दिया, है? मस्ते भी सत्य है, ब्रज के बाहर में दे नहीं पाए, है? आज गौर अवतार में मैंने संकल्प ले लिया, सबको मैं प्रेम प्रदान करूं, जाओ करुणा शक्ति तुमको मैं आज मानो मुक्त कर दिया, जाओ, है? कितना सुंदर भाव,
इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो प्रेम पुरुषोत्तम अवतार किस लिए कहा जाता है, प्रेम पुरुषोत्तम अवतार परम दयालु शशिनंदन गौर हरि है, एमोनो गौरंग बिना नहीं आ। कितना सुंदरी भाव के हमारे व्यक्त हुए जब महापुरुष की महाबदन्नता की कथा कीर्तन करते श्रवण करते हृदय द्रवीभूत हो जाता है, है? वृंदावन में कृष्ण प्रेम दिया, किसको दिया, अपने परिवार में है। मैं कभी कभी सुन जिसको बाल बाल में तेल लगा हुआ है ना उसमें तेल लगा, कम तेल लगता है, और जिसकी बाल सूखे है तेल लगाने कितना थे ज्यादा लगते हैं। कृष्ण थोड़ा सा क्या किया, कंजूसी है। बड़े बड़े सेठ लोग उत्सव तो कराते हैं, बुलाते किसको, हाँ अपने जनों को बुला लेते हैं, अपने जन है उनके बुलाए उनके खिलाए उनकी। हम ये करें कृष्ण उसी प्रकार ही है, मानो ब्रज की लोग प्रेम लता से कोपी प्रेम अवधन चते, ब्रज में लता भी से प्रेम दिया ब्रज के अंदर है। और शशिनंदन गौर हरि ब्रज के अंदर ब्रज के बाहर, और भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, जारे देखे तारे दयन प्रेम में बिलाइया। छह प्रकार के व्यक्ति महापुरुष के प्रेम लेना नहीं चाहते थे है? और महापुरुष के पीछे पीछे दौड़ रहे है? प्रेम देखो मैं छोड़ क्यों, इस अवतार में पूर्व अवतार में महाप्रभु ने प्रतिज्ञा कर ली सबको मैं प्रेम प्रदान करूं। यही छह व्यक्ति दाइया पलाइया ता लगी प्रभु पीछे ऐसे प्यार है। चेतन चेतन पाषंडी निंदुक है अपराधी कुतार्किक है कर्मनिष्ठ, ऐसे छह प्रकार के व्यक्ति महापुरुष के प्रेम लेना नहीं चाहते थे, किंतु महापुरुष किसी न किसी प्रकार से छल से माने सन्नास ले लेता हूं, देखता हूं कौन लेना नहीं चाहते है? देखो और सबकी अपराध को नष्ट करके है प्रेम प्रदान कर। गौर अवतार की इतनी सुंदरता जो है मधुरता जो है औदार जो इसलिए औदार जो मैं विग्रह सचिनंदन गौर हरि है। ऐसे गौर हरि के चरण में कौन शरण लेना नहीं चाहते। कृष्ण के बारे में तो भागवत में कह रहे अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघांसा अपसाद्य लेभिरे धातु चितं ततो अन्नं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। ये तो कृष्ण के लिए कार्य है। ओहो पुतना की ऐसे गति दे दिए धातु चितो गति है दे दिए। अच्छा पुतना के लिए और बाकी वो भी कहां दिया, पुतना के कौन से गति दिया, वृंदावन में नहीं दिया गया, इसमें लिख रहे हैं कहां गोलोक में है। वृंदावन की जो गति जो है स्थान जो है वो एक मधुर। चलो तब तो कृष्ण इतने तक दिया, किंतु महाप्रभु जो प्रेम प्रदान कर रहे हैं है कहां तक तो देते जा रहे हैं। यहां तो आचार्य पाद कहते हैं मंजरी भाव तक तो प्रदान कर सके, जिसको कहते हैं अनर्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसन सभक्ति से। तो सचिनंदन गौरहरि की जो महिमा यही बताते यार परम दयालु सचिनंदन गौरहरि गौर सुंदर के जी के हम यही कहते हैं। भक्ति की जो परिभाषा जितने हम आगे देखेंगे कितना सुंदर बता रहे हैं। हमारे रूप गोस्वामी पाद यही जो परिभाषा जो है
शास्त्र में जितने भी परिभाषा दिया गया, डिफिनेशन दे गया, और रूप गोस्वामी पाद उसके और भी डिफाइन करके है कहते हैं, अन्नाभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मदनावृतम आनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा, उत्तमा भक्ति की बारे में बता रहे। इतने सुंदर श्लोक, न भूत न भविष्यति, कितना सुंदर ये भाव बता दिया। हम कथा बोलते हुए बहुत दूर चले गए, फिर बोल लौट करके आप आइए। माँ जसोदा क्या कर रही है? दधि मंथन कर रही है अपने हाथ से। सेवा जो हम करते हैं अपने हाथ से सेवा करें। अब जैसे अम्बरीश महाराज अपने हाथ से सेवा करते, राजा होते पर भी अपने हाथ से सेवा करते थे। हैं करु मंदिरों मार्जुन दास, मार्जुन पादु हरि क्षेत्र, अपने हाथों के द्वारा मंदिर सेवा करते थे। हैं राजा है, हमारे पास थोड़ी पैसा हो जाए मैं कितने नौकर को राख देता हूं, है पैसा है ना, किंतु पैसा देकर के सेवा जो होते हैं वो सेवा ममत्वता नहीं रहता है, वो तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। गुरुदेव हमें ये सब कथा सुनाते थे, धीरे धीरे हम गुरुदेव की कथा को भूल जाते हैं। सेवा होता है अपने ममत्वता संबंध ज्ञान से सेवा, जो कथा हम सब। इसलिए माँ जसोदा क्या कर रही है आज? स्वयं हाथ से दधि मंथन कर रही है, और मंथन भी कैसे करे, काल हमने श्रवण किया था, है भाव में अविष्ट रहे, है उदू खले न संघिस्त तंडुलश्च संघट उन्ते मुसले प्रमुग्धा गायन्ति गुप्प जनिता अनुरागा गोविंद दामो दरमाधवित। माँ जसोदा इतने अभिष्ट होकर के वही गोविंद की कीर्तन कर रहे हैं। है? आप कोई अपने बेटा के कीर्तन करते हो, है किंतु देखो माँ जसोदा गोपाल की लीलाओं की जो है अत्यंत सुस्वर से कीर्तन कर रही है, गा रही है और दधि मंथन कर रही है। आप अपने बेटा की गुणगान करते हो? नहीं करते है? कोई कहे जो तुम्हारी बेटा अच्छा है, माता पिता क्या करते हैं? नहीं नहीं मेरा बेटा इतना अच्छा नहीं है। यदि मेरे बेटा के कुछ गुण है तो आप लोग के ही आशीर्वाद से हुआ है, है? बातें सही है कि नहीं? कोई माता पिता जो है डायरेक्ट अपने पुत्र संतान के गुणगान सुनना नहीं चाहती है, है? सुनिए अच्छी तरफ से। यदि कोई कह दे जो तुम्हारे बच्चा जो है अच्छा मार्क्स मिला और ये मिला, ये अच्छा है, राष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बने, जैसे हो, आप इस कथा को सुन करके क्या करोगे? अपने दीनता प्रकाश करोगे? नहीं नहीं जो कुछ भी है हमें प्रभु की कृपा से प्राप्ति हुई, अथवा आप लोग के नहीं आशी बाबू क्या बोल दुआ नहीं अरे हैं दुहा से आप लोग नहीं कृपा की है। वास्तविक सत्य है अपने पुत्र संतान की, कोई यदि अपने पुत्र संतान के सामने उनके कीर्तन कर दिया है, शास्त्र कहते हैं उनके ही गुण जाए चला जाता, कहीं अहंकार दम्भ ना हो जाए, है बात ही सत्य है। टीकाकार ऐसे वर्णन करते जा रहे हैं, किंतु देखो माँ जसोदा अपराजित गोलोक वृंदावन में माँ जसोदा दधि मंथन कर रही है, और किनके किस क्या नाम ले रहे हैं? अविंद नामो दरमाधवेति, हे विंद दामो दरमाधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सकेति, गोविंद दामो धर्माधवे। तात्पर्य क्या है? हमें मानो ही माँ जसोदा शिक्षा दे रही,
यदि गुण कीर्तन करना है किसके गुण कीर्तन करो, गोविंद है। और माँ जसोदा नंद महाराज ये सब के अपनी अहंगता ममता है, मैंने पहले कहा, क्योंकि अहंगता ममता ही हमें भक्ति राज्य में प्रवेश कराते हैं। जैसे इस संसार में अहंगता ममता आता है, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, ये अहंगता रहता है, और ममता मेरा पुत्र, किंतु ये सब जड़ अभिमान है इस संसार में। न तुम उसके वास्तव में उसके माता पिता हो, ना उसके तुम्हारा पुत्र है, तुम जीव तत्व हो। और नंद जसोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है, उसमें जो अंगतार ममता, थोड़ी आप ध्यान में सुनिए, नंद जसोदा की जो अंगता ममता जो है वो शुद्ध सत्य है, किंतु लोकवत्तु लीला कैवलम नंद जसोदा यही लीला कर रहे हैं, भाई कृष्ण मेरा पुत्र है, ये जो पुत्र तो जो अभिमान ये सत्य है, अभिमान होता है, इसलिए साधक के क्या एक अभिमान लेकर चलना पड़ता है। कौन सा अभिमान? ये जड़ अभिमान को त्याग करके सेवक अभिमान, अभिमान परित्यज्यम प्राकृतो बपुरादिषु, प्राकृत प्रकृत शरीर के जो अभिमान हमें त्याग देना पड़ेगा, और अप्राकृत अभिमान को हमें धीरे धीरे ग्रहण करना पड़ेगा। समझ में आ रहे है कि नहीं? अभिमान परित्यज्यम प्राकृत बपुरादिषु, प्राकृत शरीर जो अभिमान हमें त्याग देना पड़ेगा, जीवों के बेकार है, और ये अप्राकृत अभिमान को आपको लेना पड़ेगा। कौन सा? मैं प्रभु के सेवक हूं, मैं राधा जी के दासी हूं, राधिकार दासी, यदि अभिमान शीघ्र मिले तबे गोकुल का, मैं राधा जी की सेविका हूं, ये अभिमान को आपको धीरे धीरे लेना पड़ेगा। जैसे हमारे भक्ति मनोहर ठाकुर लिख रहे राधिकार दासी यदि होई अभिमान शीघ्र मिले तब गोकुल का, प्राकृत अभिमान को छोड़ करके अप्राकृत अभिमान को आपको लेना ही पड़ेगा। यही तो भजन साधन है, हम जो कुछ भी श्रवण कर रहे हैं कैसे धीरे धीरे अप्राकृत अभिमान को हम ग्रहण करें, और प्राकृत अभिमान के अभिमान तो है एगो, एगो तो है फॉल्स एगो, जड़ अभिमान त्याग देना पड़ेगा, अप्राकृत अभिमान को लेना पड़ेगा। अद्वैतवादी में उल्टा होता है, बोले सब छोड़ो, नेति नेति नेति, और क्या है? अहं ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्म। और उसी कथा को चैतन्य महाप्रभु त्रिनाद भी सुनी तरुवर से सुनना अमानी न मान देन कीर्तन सदा, यही देखो उसी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की भावना विचार कैसे देख दिखा रहे हैं, पढ़ना उसे सुंदर है। अहं ब्रह्मास्मि इसके ऊपर त्रिनाद भी सुनी चाह रहे हैं, बोले बिल्कुल दोनों बिल्कुल अपोजिट वाले है, मैं ब्रह्म हूं, तुम तो ब्रह्म नहीं हो, ये मिथ्या तुम्हारे अभिमान है, जड़ हो तुम, कर जो ब्रह्म, तुम कभी ब्रह्म नहीं हो सकते है? तुम कौन हो? ब्रह्म जातीय है, तुम ब्रह्म नहीं हो, किंतु अद्वैतवादी कहते मैं ब्रह्म हूं। और महाप्रभु क्या करे? त्रिनाद भी सुनिच, दोनों एक ही तात्पर्य में है, जब ये अभिमान आ जाता है मैं ब्रह्म जाती हूं तब सेवक सेवा अभिमान आ जाता है, और सेवा सेवक सेवा करने की जो अभिमान है, सेवक अभिमान आ जाता है, अपने आप वो त्रिनाद भी सुनिश्चित हो जाता है। जितना हम सेवक अभिमान रखेंगे और धीरे धीरे और ये त्रिनाद भी सुनिश्चित आ जाएगा है, पढ़ना उसको।
हमारे गुरुदेव जो है श्री बामन गोस्वामी महाराज, इतनाद भी सुने जो महाप्रभु जो है उसे अमृत का नाम जो है उसके ऊपर सुंदर लिख वर्णन किया है, चितन चित अमृतम ये जिसमें है। हाँ नहीं नहीं नहीं, शिक्षास्त्र की जो अंतलीला में जो है पढ़ना बहुत सुंदर, ये भाव खोद कहाँ अद्वैतवादी के अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, और उसी भाव को चैतन्य महाप्रभु दित्यनाथ विष्णु एक ही तात्पर्य पर दिख करके व्याख्या करते जा रहे हैं। सबके समझ में नहीं आएगा किंतु ये बहुत जटिल विषय है किंतु ये सत्य है। बहुत सुंदर, एक एक करके हमारे गुरुदेव जो है उसके शास्त्र प्रमाण दे करके दिया, पढ़ो देखो आपके आनंद आ जाए। अपूर्व एक तत्व सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया, बोले अद्वैतवादी की अर्थात शंकराचार्य के चार जो महाभक्त जो है अंग ब्रह्मा अंग ब्रह्मास्मि सर्वं खलिदं ब्रह्म तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म, ये समस्त जो शंकराचार्य जी महाभक्त जो है उस महाभक्त के ऊपर ही इतनादि सुनि श्लोक की स्थापित कैसे कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय वाक्य तत्त्वमसि तुम वही हो, नहीं तुम उनके ही हो भगवान के हो है? और उसके ऊपर कितने इतना तरुप सृष्णा अमानिन मान देन कीर्तन सदा, समय कम कभी ये सब बात जो है आप पढ़ो कितना आनंद आ जाएगा। हम इसलिए करें ये माँ यशोदा जो दधि मंथन कर रही है और किसके गुण कीर्तन कर रहे हैं, वही कृष्ण के है, भाव में विभोर होकर कृष्ण की सारी लीलाओं की जो है भाव में अत्यंत सुंदर सुरीली सर से कीर्तन कर रही, आह कितने सुंदर मधुर भाव है। तात्पर्य के काल मैंने भी बताया था, सेवा करे हाथ में और मुख में कीर्तन करे है, इसे कहते हैं ना हाथ में राम सभा राम सेवा ना, मुख में राम नाम राम सेवा, हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ। उसी प्रकार से भगवान ने हमारे शास्त्र सिद्धांत दे रहे हैं, सेवा की साथ ही साथ प्रभु की कीर्तन हो, कीर्तनाक भक्ति कलिजुग में कीर्तनाक भक्ति की विशेष वैशिष्ट्य है, यद प्रणति तत्पने कलु केशव संकीर्तन, भक्ति की जद भी अंग है किंतु सर्वश्रेष्ठ अंग क्या है कीर्तनाक भक्ति, बोले कीर्तन संकीर्तन कीर्तन करने से क्या होता है, एक ही साथ में भक्ति के तीन अंग हमें पालन कर लेते हैं, क्या होता है श्रवण कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं स्मरण कर रहे हैं, जब मैं बोलते जा रहा हूं है उष्ट स्पंदन कीर्तन सर्वे मिलित्व कीर्तन संकीर्तन, जब आप कीर्तन कर रहे हैं वो स्वाभाविक रूप में क्या हो रहा है वो भी सुन रहे हैं श्रवणाक भक्ति हो गया, कीर्तन कर रहे हैं कीर्तनाक भक्ति हो गया, और क्या बोलेंगे उसके भी सोचना पड़ता है ना है, एक ही साथ में हमारी तीन अंग भक्ति के तीन अंग पालन हो जाता है, इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कीर्तनाक भक्ति के विशेष वैशिष्ट्य बताए है। आज इसलिए माँ यशोदा इतने तन्मय होकर के गोविंद की लीलाओं को जो है कीर्तन कर रही सुस्वर से है, उस समय कोई वाद्य यंत्र की जरूरत नहीं है, वो दधि मंथन के जो घर घर जो शब्द है वो इतने ही सुंदर होते जा रहे, जमाने मृदंग की पिछले भाग और सामने भाग की जो शब्द धिक तान है मंत्र जो
क्या बोले, मृदंग बजाने के लिए जो मंत्र जो है वो मंत्र स्वयं ही मनु प्रकटित हो रहा है। दिखता है, धिक्कार दे रहे हैं, यदि हम कृष्ण भजन नहीं किया तो जीवन धिक्कार है, एक भी मान करते जा रहे। हाथ में जो चूड़ियां जो है वो अपने आप करताल की भांति शब्द होते जा रहे, इतने सुंदर है। क्योंकि जो ब्रजवासी जो है ना, आज कथा गानंग नाट्यंग गमनोपी, वो लोग जो कथा बोलते हैं ना है, वो सुंदर सुशील से ताल लय मन से अपने आप हो जाए, उदात्त अनुदात्त सरित तीन लय अपने आप हो जाता है। हम जो ब्रजवासी के लिए कह रहे हैं, कौन ब्रजवासी, नित्य सिद्ध कृष्ण के परिकार जो है, हाँ समझे, कृष्ण के नित्य सिद्ध जो परिकार है उसकी यथार्थ कहा जाता है ब्रजवासी कहा जाता है। और हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते हैं हमारी वास्तव ब्रजवासी कौन है, रूप सनातन, और वही रूप सनातन के अनुगत्य में जो भजन कर रहे हैं उसके भी ब्रजवासी कहा जाता है। ब्रज में जो रहते उसके ब्रजवासी कहते, बात सही है, किंतु शुद्ध ब्रजवासी कौन है, जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भाव में भजन कर रहे। आप दिल्ली में रहें, इंग्लैंड में रहें, अमेरिका में रहें, कहीं भी रहें, यदि रूप सनातन के भावों में विवाहित होकर के भजन कर रहे हैं आप ब्रजवासी हो। हम नहीं करें, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भी कहते हैं। अब कहीं रह रहे हैं वो स्थान की महत्व नहीं है, महत्व किसके है, भाव की महत्व है, यही विशेषता है। स्थान की महिमा तो वही समझ पाएंगे जो उन्नत स्तर में चले जाते हैं, वो देखेंगे ये भूमि चिन्मयी भूमि है, है? हम उसको देख नहीं पाते अभी, हमारी जड़ सड़ी जड़ बुद्धि होने से कहां हम राधा कुंड जाते हैं, चिन्मय दिखाई पड़ता है कुछ, किंतु हम भक्ति कुंड क्या बोल रहे हैं, राधा कुंड तट न चिंतामणिमय राधा कुंड तट ताहि कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तोरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत ताही कुंज सत सत है। कितना सुंदर ये भाव होते जा रहे भक्ति विनोद ठाकुर जी कीर्तन, जो सिद्ध महात्मा होते भाव दशा में पहुंच गए, प्रेम दशा में पहुंचने वाले, उनके निकट ये सब प्रकाश होता है। चिंतामणि मय हमें चिंतामणि दिखाई पड़ता है, धूल कणा को दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है, किंतु भाव में विवाहित होकर कहीं भी रहे हो जाता है। ब्रज में वास करना चाहिए, तिष्ठन ब्रजी तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इतोपदेश सार। ब्रज में वास कैसे होनी चाहिए, उसी प्रकार भाव में विवाहित होकर संसार की कोई वस्तु उसके प्रश्न नहीं करते हो, कौन क्या कर रहे हैं उसके ध्यान नहीं देते। ब्रज में ऐसे ही व्यक्ति है, कुछ लोग भजन करते हैं डूबे हुए, अपने तन्मय होकर डूबे हुए है, ना किसी के साथ लेना कुछ कर, लेन देन कुछ नहीं है, एक ही लेन देन किसके साथ है, गोविंद के साथ। भाई लेन देन तो किससे होनी चाहिए, गोविंद के साथ हो बस है, भाव उसमें। ऐसे महात्मा उत्तम दुर्लभ कहा जाता है, बात ही सही है। अब कहीं भी रहें ये भाव को हृदय में धारण करें, कितना मधुर भाव है। ये रूप गोस्वामी तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी
कालंग नयन अखिलित उपदेश सार तन्नाम वजादि सुकृत नाम स्मृत कमिन रसना मनोसिजो तिष्ठन ब्रजी, ब्रज में वास करो। जिस शरीर के द्वारा बस में ब्रज में वास संभव नहीं है, तो मन के द्वारा सदा सर्वदा ब्रज में रहो। मन के द्वारा ये सब कथा चिंतन करते रहे तब तो होता है। साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, एक साधक रूप और एक सिद्ध। अभी तो हम साधक ही बने ही नहीं। साधक की जो परिभाषा यदि आप सुनोगे तो आप निराश हो जाओगे। समझ में आता है? यू कंप्लीटली होपलेस। एंड इफ यू लिसन द परफेक्ट द मीनिंग ऑफ साधक देन यू विल बिकम होपलेस। इसलिए हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती साधक की भी परिभाषा दिया गया। ये वास्तव साधक किसको कहा जाता है, सिद्ध किसको कहा जाता है, परफेक्ट साधक की परिभाषा क्या है? क्या है? उत्पन्न रतयो कृष्ण, अनुपागत साधका परिकीर्तिता है। कभी कभी श्लोक में बार बार बताते रहता हूं। उत्पन्न रतयो कृष्ण में रति उत्पन्न हो चुकी है, वो उसके कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न हो गया है। रति समझते कि नहीं? श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनुत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति के बाद रति, और इसके बाद भाव होता है, इसके बाद प्रेम होता है। उत्पन्न रतय सम्मक में साक्षात में कृष्ण दर्शन की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं वो है। आप बताओ रति उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? अभी तो श्रद्धा आप लोग के हो गया, ठीक है। हम अपने लिए कहते हैं श्रद्धा उत्पन्न होना बहुत कठिन होता है, जिसको हम कहते हैं ये महाभागवत है ये चलेगी। श्रद्धा एक श्रद्धा उत्पन्न हो जाना इतनी सहज नहीं है। बोलना तो बहुत सहज है, इजी टू से श्रद्धा। उस भी श्रद्धा कैसे, अत्यंत की श्रद्धा होनी चाहिए है। श्रद्धास्तु अनन्य पायो वर्जनम भक्तिन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। श्रद्धास्तु अनन्य पायो, न और कोई उपाय हो सिवाय आश्रय नहीं करते कर्म ज्ञान योग समझ को त्याग दे। अनन्य पायो वर्जनम भक्ति उन्मुखी चित्त वृत्ति विशेष। श्रद्धा की जो ऐसी डिफिनेशन दे रहे है गुरुदेव कथा सुना दे है, इसी कार्तिक महीने में इसी जो है एक महीने तक यही दामोदर अष्टक पाठ करते थे और कृष्ण के बांधते थे लास्ट एक कृष्ण के है वो बंद करके रखते थे। खोलो, बोले नहीं खोलेंगे अभी नहीं, लास्ट के दिन जाकर के तब होता था एक महीने तक है, बोले कृष्ण बंधे रहे गुरुदेव ऐसे कदा सुना एक महीने तक बंद करके रख दे, नटखट है ना गोपाल। उस समय जो है कम लोग तो होते थे और एक महीने तक 29 दिन तक गोपाल को बांध करके रखा, खोला ही नहीं, बोले नहीं खोलेंगे तो कहाँ जाओगे तो। और यही कथा बता दे, इतने सुंदर। हम जो जो देखो उसके पढ़ो आप लोग, हम बोलने से क्या होगा, आप लोग बोले साधक किसे कहते हैं, आप निराश हो जाओगे। ये बात कहाँ है, हिमालय की कथा सुने और ऊपर में हिमा हिमालय के पास जब गए उसके जो है श्रृंग देखने के लिए है, पिक को देखने लगे जैसे कि आपकी टोपी अपने आप नीचे गिर गई, कहाँ है कहाँ। हम जो भक्ति जो कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, किंतु वास्तव में ये विचार करके देखिए
साधक बनना इतनी सहज नहीं, साधक का भास हो जाए इतना ही हमारे जीवन, ये जीवन सफल हो जाए। वास्तविक सत्य है, कोई दैन्य करके बोले और सच बोले तो दूसरी बात, किंतु जब शास्त्रीय विचार हम देखते हैं है? साधक साधक किस बात है, कृष्ण दर्शन की जुगत है किंतु किसी कारणवश तो उसका अभी दर्शन नहीं हो रहा है। ये सब बहुत सुंदर विस्तृत विवरण दिया गया, सिद्ध भी इसी कहते हैं, उसको भी डेफिनेशन दिया गया है। जब ये सब विचार शास्त्र जितने भी शास्त्र की गहरी में हम प्रवेश करते हैं, देखते हैं इतने सुंदर सुंदर भाव पड़े हुए, जैसे महासमुद्र, और उस समुद्र में जब जितने भी गोताखोर गोता लगाते हैं, समुद्र के नीचे जितने ही जाते हैं और उतने ही मणि माणिक हीरे जहरत आदि उनको प्राप्त होता रहता है, है? ऊपर के जल तो खारी खारी है, है? मुंह में लग जाए तो आप परेशानी हो जाओ, मृत्यु तो हो सकता है, किंतु जो गोताखोर जो है, है? वो जितने समुद्र की गहरी में जाते हैं और उसमें अनेक प्रकार के मणि माणिक आदि वो संग्रह करते हैं, उसी प्रकार भक्ति राज्य उसी प्रकार ही है, है? गुरुदेव कहते ये सब कथा किसी संप्रदाय आपको नहीं मिलेगा और हर गौड़ियों मठ में भी नहीं मिलेगा, गुरुदेव कहते थे, है? कौन आलोचना करते है कथा, ऊपर की उठे बात सुना दो, एक महीने दामोदर से पाठ हो गया, चलो कीर्तन कर लिया, बोले हो गया, नियम सेवा कर ली, क्या नियम सेवा किया था, किंतु सब गहरी गहरी की कथा गुरुदेव श्रवण कराते थे, है? बात है, आप अपने सोचिए, देखो साधक किसको कहा जाता है, पढ़िए आप, मैं बोलने से उतना नहीं होगा, आप पढ़कर कहो फिर बोले तो सुनने में आनंद लगता है। गुरुदेव कहते थे कि मेरे कथा जो है दो चार व्यक्ति सुन लिया यही मेरा ठीक है, हजारों व्यक्ति तो कथा सुना किंतु दो चार व्यक्ति सुन लिया वो ठीक, सबके सुनने में भाग नहीं आएगा और सुने भी धारण कर नहीं पाएंगे, दुर्लभ कथा है, आप बताओ कितना सुंदर है भाव है। समय हो गया है? ये माँ यशोदा की कथा में फिर बीच बीच में थोड़ा तत्व सिद्धांत बोलते, नहीं तो आप लोग सब तो जानते हैं, है? आज से कितने साल, 20 साल 25 साल तो सभी सुन रहे हैं, 10 साल तो सुन रही है, किंतु थोड़ा गहरी की कथा हम बोलना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, है? गुरुदेव कथा को सुनाते थे, गुरुदेव की स्मृति हो जाता है, गुरुदेव जब मथुरा में यही श्लोक जो अर्चन करते थे, कितना सुंदर भावों के बता देते, सारी भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, ये समस्त कथा को मानो निचोड़ करके है गुरुदेव इतने सुंदर सरल रूप में बोलते थे, अधिक रूप में गुरुदेव इस कार्तिक में जो कथा बोलते ना बंगला में बोलते थे, ब्रजवासी लोग वो कहते चिल्लाते था, बोले गुरुदेव आप बंगाल में बंगला में बोलते हमें समझ में नहीं आता, गुरुदेव बोले तुम लोग नहीं करते, मैंने 11 महीने बोलता रहता हूँ, गुरुदेव ब्रज में रहते हैं मथुरा, अरे ये लोग दूर से आए हैं, है? एक महीने मैं है? सुनो सब, अरे बंगला हिंदी में क्या है, है? हिंदी में क्या हो जाता है, मैं जोड़ दो है तो वही शब्द थोड़ा बहुत और क्या समझ में आता है कि नहीं आता है? गुरुदेव जो है एक महीने जो है बिल्कुल जो है बंगला बोलते थे, है? और नवद्वीप में जाकर के 5 दिन है बंगला बोलते थे, तो इधर 1 महीने और उधर 5 दिन, 35 दिन साल में 35 दिन बंगला बोलते थे गुरुदेव, और बाकी है गुरुदेव इतने
अब बीच बीच में हिंदी भी बोलते थे, बात सही है। ये सब कथा इतने सुन, ये माँ यशोदा देखो, और काल जब दधि मंथन मंथन कर रही थी माँ यशोदा, और कैसे भाव में अभिष्ट होकर, और इतने समय कन्हैया एक है तो वास्तव रूप में कृष्ण की साधारण बालक नहीं है, कृष्ण तो भगवान है ना, भगवत्ता उसमें रहता है, सर्वज्ञता और मुग्धता भगवत्ता, एक ही साथ में दो विपरीत वस्तु रहता है, आत्मकामता आत्मरामता रहता है उसमें, दोनों वस्तु क्या है, विपरीत वस्तु है, सर्वज्ञता और मुग्धता विपरीत वस्तु है, सब कुछ जानते कुछ नहीं जानते। तो कृष्ण काल में नहीं कहा था इसमें जो गुरुदेव जो करें, कृष्ण जग गए देख रहे हैं ये माँ यशोदा है भाव में विभोर कीर्तन कर रहे हैं, मुझे भूख लग गया है, और भगवान की भूख लगता है क्या, ये जी हंग्री है, जो आत्माराम अप्त पुरुष कहेंगे अरे भगवान की थोड़ी भूख लगता है, अथवा कहते हाँ वो भगवान है, आप जो देते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं, थोड़ी वो खाते बोले ऐसे नहीं, संगीता में भगवान कहते हैं तुम भक्ति से मुझे जब दोगे मैं साक्षात अस्नामी साक्षात रूप में मैं भजन करता हूं, शिकानी भोजन करता हूं, असधातु संग में ग्रहण कर लेता है, भक्ति के ऊपर निर्भर कर रहे आज जो भगवान भगवान की भूख के कहां लगे, वो तो सर्वत्र देखते हैं, जब भगवत बुद्धि रहता है उस सेवा दूसरी तरफ हो जाता है, और ब्रजवासी में क्या होता है सब सुन है, माधुर जी कृष्ण मेरा कृष्ण के बोल रहे, जैसे हम माता पिता की पुत्र संतान की जैसे हम सेवा करते, ब्रजवासियों की ये भाव रहता है, वही जो है अहंगतार ममता है, कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण की भूख लग रहे, भूख लगाना है ठाकुर जी की सेवा है, खा लेते हैं साक्षात ले, भक्त जैसे होते हैं भगवान उस भक्त के निकट अपने स्वरूप भाव को प्रकाश करते हैं, यही तो भगवान की कृष्ण की विशेषता कहा जाता है। देखो आज मुझे माँ यशोदा आज मुझे जगाने के लिए भी आई नहीं है, हर रोज माँ यशोदा क्या करते हैं गोपाल को लोरी सुना के जगाते हैं, उठो है आंखी खोलो है, क्यों सो रहे हो उठो गोपाल है, किंतु आज माँ यशोदा गोपाल के उठाने के नहीं आ रहे, किंतु गोपाल जग गया वो देख रहे हैं और फिर आंख बंद करके रोना शुरू कर दे है, किंतु गोपाल जब रो रहे हैं माँ यशोदा के सुनाई नहीं पड़ रहे, कृष्ण सोचने लगे ये मैं रोते रहूं तो माँ यशोदा दधि मंथन छोड़ करके आ जाएंगे मुझे जगाएंगे मुझे ले लेंगे, किंतु आज माँ यशोदा भाव में इतने विभोर हो गए वो तो सुनाई नहीं दे पड़े है, गोविंद की नाम कीर्तन में इतने आनंद होता है और कोई वस्तु उसके दिखाई नहीं पड़ता, किंतु जिस भाव में जो अभिष्ट हो जाता है और दूसरी कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, देखो कितने सुंदर भाव व्यक्त हो रहा है, इसी कहते लोकवत्त लीला कई बलम है, मनुष्य की भांति सब लीला होती जा रही, कितने मधुर,
तो कृष्ण क्या की, किसी प्रकार से पेट के सहारे से है और खटिया से पलंग से नीचे उतर करके हैं, ठमक ठमक करके चलते हुए आ रहे, और आकर के पीछे से आकर एक हाथ के द्वारा मां जैसा के सिर पर चोटी को पकड़ ली है, और दूसरी हाथ में दधि मंथन जो दंड जो घर घर कर रहा था उसके भी पहले मां कृष्ण मां जैसा के चोट सिर पर जो चोटी उसका हाथ रख दिया। क्यों? कृष्ण यही विचार कर रहे हैं कहीं मैं नीचे न गिर जाऊं, इसलिए अपने सहारा के लिए भी जरूरत होता है। सब लोग को भी लोकवत्तु लीला के बन बालक की साधना, बालक ने कितने बुद्धि रखने वाले है। कई यदि मैं एक हाथ में यदि दधि दंड के पकड़ लिया और इसकी वो तेज गति है ना, तो मैं उसमें गिर जाऊंगा है। इसलिए गोपाल बहुत चालाक है, कितने बुद्धि रखने वाले है। जो बालक जितने चंचल होता है उनकी बुद्धि उतना ही तेज होता है, ऐसी मनस्तत्व में ऐसी लिखा गया है। जो बालक जितने नटखट होगा है, आप समझना चाहिए, वो बालक उतना ही तेज बुद्धिमान है। गुरुदेव से कहते हैं कृष्ण ने कहा कि अगर पहले मां जो के चोटी पकड़ ली हाथ में बच्चा है ना, और दूसरे हाथ में है, ये तो सुना ही नहीं पड़ेगा, किंतु मां जैसे तक तो तन्मय होकर कर रही दधि मंथन कर रही है, और बालक ने किया कि वो दधि मंथन के जो है दंडों के जो है पकड़ है। हम ये भी बताया था ब्रज ब्रज में वो दधि मंथन के दंड भी कम कोई साधारण दंड नहीं है, वो सब चिन्मय है। कहीं गोविंद के हाथ में खरोच ना लग जाए है, वो मानो दधि मंथन के दंड वो चिन्मय है। जतकिंचित तिनुगुल में किकट मुखंग गोष्ठे समझती तत् सर्वानंद मुकुंद दैत लीलानुकूल परम शास्त्री स्फुट मित्र निश्चिंत जांच ब्रह्मादि भी सस्प्रिय मोदियंत बंदते। वो दधि मंथन के दंड वो भी सोच रहे हमारे गोपाल के हाथ में कहीं खर्च नहीं, जो गोपाल हाथ ऐसे किया ना वो दधि मंथन के दंड अपने आप ही वो रुक गए है। यदि साधारण होते दंड होते रुद्र दंड होते वो तो ऐसे तेज से कहते ना उसके पकड़ो देखो आपके हाथ में खुर चलाएगा है आशा। किंतु हमारे गुरुपाद प्रदेश कहते थे वो दंड मानो गोविंद सेवा, सब में जगत चित जगत में जो कुछ भी वस्तु है सब चिन्मय और ममता पूर्ण ममता युक्त रहते हैं, कहीं गोविंद के कष्ट न हो। और लीलानुकूलम परम, सब लीला के अनुकूल है, सब प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं है, पर ऊपर से प्रतिकूल दिखाई पड़ता रहता है, सांप हो बिच्छू हो शेर हो वहीं पर भी शेर है, शेर समझे वहीं पर भी शेर है। जैसे राधा जी जब अभिसार करती है, हमारी रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते मधुर मधुर निश्यांग जतिरुद्भासितायांग है, जब राधा जी गोविंद के साथ मिलने के लिए अभिसार करती है, अभिसारी का नहीं करके भाव है, आसन मध्य रात्रि में राधा जी जब चलती है आसन राधा जी के अंग जो चित ऐसे सुंदर जो तप्त कांचन गए चारी दिशा को मानो उजाला कर दे, दूर से मानो हो मानो लगेगा एक सोने के पुतली मानो चल रही है मूवमेंट कर रही है। इसलिए सखियां क्या करती है कपूर भूषा कपूर अंग में कपूर लगा देते सफेद है, जैसे चोर उसके राधा जी के जी अंग कांति के छटा कहीं बाहर ना आ जाए, इसलिए उसमें लिखा है मधुर मधुर निशांग ज्योतिर उद्भासितायम। एक तो मधुमास चैत मास की कहा जाता है मधुमास कहा जाता है, निशांग मध्य रात्रि मधुर मधुर निशांग ज्योतिर उद्भासितम है, राधा जी जो अभिसार कर रही उस चीज जगत में सब कुछ ऐसी चिन्मय वस्तु है। हम इसलिए करें वो सब लीलानुकूलम परम, शेर हुंकार करती है, किस लिए ये भय कर दिखाने के लिए, वो भी चित भय
अपरागित भाई दिखाते रहते, किन लोकलीला होता है सब। अपरागित चित्त जगत में ये जड़ जगत के देखने से एक जैसे लगता है, है उधर भी शेर है बिच्छू है, वो सब क्या है सैंग जोग माया बन ले लीला के लिए वो रूप धारण कर लेती है, है? कृष्ण सेवा राधा जी मानवती होकर के कृष्ण के छोड़ करके जा रही है, कृष्ण बंसी बजाए राधा जी कान में रुई धारण कर ले, बजाओ कितने बजाए बजा नहीं बजाओ सुनेंगे नहीं है? काने धुर के चितुलो और पीठे लगे चिकुलो, माने कान में मैं और पीठ में मैं कुला, जानते हो जो गेहूं आता बाज के उसको झाड़ने के लिए जो यूज करते हैं है? ऐसे ऐसे करते हैं ना उसे है? ऐसे ऐसे करते हैं। ये शादी में लगाते हैं ना छोटे छोटे मिलता रहता है गेहूं पटकने ऐसे ऐसे तो कोई हमें गुरु पाद वो कहते थे बोले पीठ में मैंने बोला उसको बांध दिया जितने पिटाई करो करो लगेगा नहीं और सुनेंगे नहीं कान में और गोपियों के ही शिक्षा दी जाती है, पांच प्रकार की शिक्षा दी जाता है, बधिरता बधिरता समझे हम सुनेंगे नहीं है? हमारे रूप को सभी पाद भक्त सिंधु में इसे वर्णन कर दिया सुनिए तुम जितने उपदेश देना दो गुरुजन के उपदेश हाँ केवल सिर हिला दो बस ऐसे कान में कुछ नहीं समझ आते कि नहीं कितना सुंदर भाव हम इसलिए कर रहे हैं अपराग्ध चित्त जगत में सभी चिन्मय वस्तु है वो भी दधि मंथन के जो दंड वो भी चिन्मय है, गोपाल की कहीं हाथ में ना लग जाए इसकी कहीं ममता, लीला अनुकूलम लीला के अनुकूल है सब, प्रतिकूल वस्तु नहीं है, ऊपर से प्रतिकूल जैसे लग रहे हैं है किंतु सब लीला अनुकूलम परम लीला के अनुकूल आहा कितना सुंदर। और गोपाल जी ऊपर से देख रहे हैं ये गोपाल दंड को पकड़ और एक हाथ में सिपाह रख मान चोटी को पकड़े, गोपाल भी बहुत चला गए ना बे है कहीं वो दंडे करे मैं कहीं गिर ना जाऊं कितना सुंदर भाव करे है। इसमें जो लिखा है इतने तो लिखा नहीं है किंतु जो गुरु जी बोलते थे उसके सारे बोले कितने वेद पुराण हो जाएगा इतने बड़ा इसको तो संक्षेप में और उसकी करके ग्रंथ के रूप में प्रकाश है। और हर गुरुदेव हर साल नई नई कथा सुनाते थे, एक नहीं हर साल एक ही कथा सुना दे है, उसी कथा को इतने सुंदर अनेक उपमा दे करके उदाहरण दे करके बता दे जैसे लगते हैं हम ये कथा कभी सुने ही नहीं। गुरुदेव की एक विशेष वैशिष्ट था उनकी हर कथा में जैसे लगता था है नवनिर्माण है, इतने सुंदर और प्रांजल भाषा में बोलते थे इतने सुंदर है। इसलिए तो उस समय गुरुदेव के सामने देखा बंगाल से जो है लोग इतने लोग आते थे है गुरुदेव की केवल ही ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए नहीं गुरुदेव की कथा सुनने के लिए है। परिक्रमा तो कभी जाओ परिक्रमा कर लो है गाड़ी में बैठ करके पैदल में कर लो किंतु गुरुदेव की सब कथा श्रवण बहुत दुर्लभ था है। हम देखा वही लोग आते थे हर शाम, बोले क्यों आते बोले गुरुदेव की कथा श्रवण के लिए है। इतना गुरुदेव की यही जो है हमारे गुरुदेव की ये विशेष वैशिष्ट था। श्री नारायण महाराज की इतने मधुर कथा है, केवल केवल नहीं है प्रभुपाद की बड़े बड़े शिष्य लोग भी आते थे जैसे जनार्दन महाराज भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज वो स्वयं कहते थे देखिए नारायण महाराज है ये राधा जी के निज जन है वो अपने नियम अपने मुख से ही बताते थे है। ये ऐसी जी कथा कौन वर्णन करेगा
कोई जानते हैं बोलते नहीं, किंतु श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज इतनी सुंदर कथा बोलते, और स्वयं हमारे जनार्दन गोस्वामी महाराज ने प्रभु भक्ति संत प्रभुपाद के शिष्य हैं, स्वयं बैठते थे गुरुदेव जब प्रवचन देते थे प्रातः काल में है, हमारे जो जनार्दन स्वयं सन्यासी सब सन्यासी बैठते थे आज में जितने भी सन्यासी जो है गुरुदेव कथा में सभी बैठते थे, और कोई सन्यासी बोले कोई बैठे ना बैठे तो दूसरी बात है, नारायण महाराज प्रवचन दे रहे हैं सुनते ही सारे सन्यासी अपने आप आ जाते थे। गुरुदेव की कथा में इतने मधुर था, जितने उनकी महिमा हम वर्णन करें है वास्तव रूप में एक शब्द हम बोल नहीं पाएंगे। वही कथा हर साल तो वही कथा बोलते थे गुरुदेव, वही दामोदर अष्टकम एक महीने तो पाठ करते थे, और वही सन्यासी लोग ईशान भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज, और विशेष करके जगन्नाथपुरी के जो महाराज का ना भक्ति विभवपुरी महाराज के, उस समय वृंदावन में मठ नहीं था, ये लोग हमारे केशव जी गोड़ी मठ में रुकते थे है, उनके जो सन्यासी जो है वो सब आते थे, वो लोग यात्री लेकर के आते थे है, वो विष्णु महाराज के ना पुरी महाराज के शिष्य विष्णु वो भी बहुत रसिक है बस सब इतने सन्यासी होते थे इस कार्तिक महीने में, और गुरुदेव की प्रवचन इतने मधुर लगता था है, इतने सब कथा तत्व सिद्धांत के साथ ही साथ और उस सिद्धांत के गुरुदेव स्थापित करते थे है, एक ही साथ तत्व सिद्धांत और एक ही साथ रस सिद्धांत के लिए गुरुदेव चलते, लोग तो कथा बोलते हैं ठीक है, किंतु गुरुदेव की जो ये कथा जो है वो अपूर्व था, न भूत न भविष्य है, इसलिए यही कार्तिक महीने में उस कथा स्मरण होता है, इधर दृढ़ कथा कौन बोले है, आश्चर्य श्रोता कुशलस्य वक्ता है, आज अनुभव कर रहे ये गुरुदेव जब थे है, कितना ही सब कथा बोले ब्रज के इतने मधुर कथा है, यही कथा कोई साथ ही साथ सारे रस एक ही साथ में भी बने, हम नहीं बोल रहे सब कथा गुरुदेव से श्रवण के है, एक एक श्लोक जो है इसे वर्णन करते थे गुरुदेव है, दधि मंथन हम इसलिए करें चित जगत में सब चिन्मय है, और कृष्ण सेवानुकूलम सेवा अनुकूल सब है, प्रतिकूल वस्तु कोई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कृष्ण से अनुकूल है सब, ऊपर से ऐसे प्रतिकूल जल लग रहा है, जैसे हम करें ना राधा जी अभिसार करने के लिए जा रही है, अभिसार समय तो कृष्ण के साथ मिलने के जा रहे रेंज हो है, और उस समय शेर हुंकार करते हैं, उनके राधा जी डर जाती है, सखियों सखियों की हाथ पर दो एक सखी के सब सखी के साथ में नहीं लेते थे, कोई विशेष विशेष अवतर रूप मंजरी रति मंजरी कोई विशेष सखियों की है, स्कंध नस्ता उस श्लोक में कह रहे हैं, ये एक सखी की राधा जी उनके कांध पर हाथ रेख कर करके चल रही है, और चलते चलते आगे देखा क्या एक पेड़ है, उस पेड़ के सूखे हुए पेड़ उसके दो डाल ऐसे है, उसके देख करके राधा जी डर जाती है, सोचते हैं कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, क्योंकि रात्रि है, रात्रि में कोई स्त्री अकेली जाए दो एक जाए डर लगते है, है? आ सुने ब्रजवासी को कीर्तन भी कभी कभी सुनाते है, है वो क्या है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊ रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊ रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, रात में आओ तो डर मुहे लागे दिन में आओ तो शरम मुहे लागे,
నన్ను సఖిచన సంగే ఆవుతూ సమయం ఆ దీని మా ఆయతూ ఆవుతూ నేను దేఖే సరే నగరి ఇది దీని మే నీ ఆని పాత రాత్ మే ఆవు తో డర్ లగ్తా హే సఖి సంగే ఆవుతూ శరమ్ మే లాగే హే గుడ్ కీ కథా హై నా అప్నే ప్రాణో కా హమ్ తో గోవింద కే సాథ మిల్నే కే లియే జా రహీ హై హే ज्यादा सुखियों के साथ शर्म लगता है। कितने सुंदर ये भाव गुरुदेव की, ये कीर्तन जो अत्यंत जो है प्रिय था हमारी, वो फरीदाबाद में प्रभु जी शरीर छोड़ दिया है। दो एक बार हमारे साथ वो दुबई इंग्लैंड में गए थे, वो कीर्तन करते थे, वो हमारी वो प्रभु के जो पिताजी है, क्या बात, जो फ्लाइट में काम करते थे, पायलट जी, अजय पड़ गए भैया है एक, और शायद आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे है, देखे हमारे साथ, वो बोलते बनवा आपके साथ मैं भ्रमण करूँगा है। एक बार इंग्लैंड इंग्लैंड गए थे है, कीर्तन करते थे बहुत। एक बार वो क्या बोले, ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ भी गए थे है, ऑस्ट्रेलिया से लौट करके आए, इसके बाद उनके शरीर शांत है। कश्यप जी हैं, हाँ वही तो बता रहा हूँ ना, नाम बोल दिया। पायलट जी के नहीं हो? अच्छा पायलट जी ने, फूफा जी, फूफा जी है, अच्छा हाँ, और उनके संबंध है जो मैं भूल गया हूँ है इनका सर, बहुत सुंदर ये कर। जब गुरुदेव दिल्ली में आते थे बाबा देव, गुरुदेव उनको बोलते थे कीर्तन करो, वो ही कीर्तन कर देता है। दूर नगरी बड़ी दूर विहार में ले कीर्तन, इतना सुंदर भावना है। हम इसलिए कह रहे हैं भाव इसे पे है, इसलिए गुरुदेव से कथा नहीं आज ना। राधा जी जब जा रही कैसे है इस कीर्तन का आप करना, आनंद आए, भाव डूब जाओ है। देखो संग भक्त आत्माराम और अप्तकाम सर्वेश्वर प्रभु की भूख लग गई, और वे मैया का दूध पान करने के लिए जोर जोर से रोने लगे। धन्य है प्रभु, किंतु आज श्याम सुंदर का रोना मैया की अगाध वात्सल्य समुद्र में न जाने कहाँ समा गई। मैया उसका रोना सुन न सके क्योंकि वो देवी मंथन कर रही है। वे संकीर्तन में अत्यंत संलग्न थी। अंत में कन्हैया बड़ी कठिनाई से पेट के सहारे के अपनी शिज्जा से उतरे और आंखों का मलते हुए रोते रोते मतवाली हस्ती के समान लड़खड़ाते हुए किसी प्रकार से अपनी मैया के पास पहुंची और चलती हुई मथनी का दंड पकड़ लिया। दंड के रुकने से मैया का ध्यान भंग हुआ, अकस्मात वो दंड रुके, मथनी दंड रुके, तो माँ जैसे लगता कि ध्यान रुके है, इतना सुंदर भाव देखो। और अपने निकट लला को देखकर झट अपनी गोद में बैठा लिया है, कितने मधुर भाव है। गोपाल को देखते ही आहा अपने गोद में बैठा ली और उसे स्तन पान करने लगी। अपने लाल कन्हैया को देखते ही मैया के अंगों में अश्वशक्ति के विकार उत्पन्न होने लगे और वात्सल्य का विशेष भाव अर्थात स्तन से दूध भी झड़ने लगा। यह भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार वात्सल्य रस की विशेष ये विषय आलम्बन बालकृष्ण है और आश्रय आलम्बन माँ यशोदा ही। काली सब कथा में श्रवण किया है, आलम्बन और एक उद्दीपन, आश्रय आलम्बन और विषय देख करके हृदय को स्टिमुलेट करते हैं ये सब कथा हमें, क्योंकि भक्ति प्रेमा भक्ति तब रस साधन होता है स्थाई भाव के ऊपर जब
49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आ जाता है, 49 जो है इंग्रेडिएंट्स जब आता है तब रस साधन होता है। ये सब भी हमें समझना चाहिए कि नहीं चाहिए। रसासाधन ऐसे नहीं हो जाता है, साई भाव पहले होनी चाहिए और उसके ऊपर ये सारी सामग्री मिलने है तो रसाला विभाव अनुभाव सात्विक व्यभिचार आलम्बन उद्दीपन आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन है और हो जाए अष्टशाति की विकार है अष्टशाति विभाव व्यभिचारी ये सब आकर के सब एकत्रित हो गए तब प्रसाद साधन होता है। अभी 49 किस प्रकार होता है बताओ, याद है? एक स्थाई भाव हो गया और 8 जो है अष्टशाति विकार हो गया है और 7 गौण रस आ जाता है और कितने 33 प्रकार के संचारी भाव आकर के मिलित जब होता है तो 49 हो जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, है ऐसे रस थोड़ी होता है, ये आम रस थोड़ी है। उसमें भी मिलाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रेशियो, अनुपात कितना पड़ना, ये सब कथा भी हम बताते रहते हैं। इसी कैसे स्थाई भाव मय की बात्सल्यवृत्ति में उक्त विभाव अनुभाव आदि भाव मिलकर मय को बात्सल्य रस का पान कराने लगी। अभी माँ यशोदा गोपाल को लेकर के जो बात्सल्य भाव जो वो निरंतर वर्णन करते जा रहे हैं। इसके आगे चूल्हे में जो दूध जो गर्म हो रहा था, गोपाल को माँ यशोदा जब अपने स्तन पान कराने लगे और गोपाल तो दूध पान करने लगे है, गोपाल के पेट कैसे है? अनंत समुद्र समुद्र की भांति है, है? और मां के स्तन में जितने इतने दूध है अनंत काल तक तो कृष्ण स्तनपान करते रहे, ना कृष्ण के पेट भरेगा और ना मां के मैया जैसे कि स्तन की दूध समाप्त होगा क्या? नहीं संभव नहीं। इसलिए देखो और उधर जो चूल्हे में जो दूध जो गर्म हो जाता है वो अपने को दुर्भाग्य समझने लगे, इसलिए मैं तो कृष्ण की सेवा में नहीं लगूंगा, कृष्ण सेवा में मेरा जीवन, और कृष्ण की सेवा यदि नहीं लगे जीवन व्यर्थ है, धिक्तांग धिक्तांग है। इसलिए क्या करना चाहिए? मैं शरीर को आत्महत्या कर लेती, ये भी कार्य मानो है। इसलिए कह रहे हैं इस प्रकार विचार करके दुग्ध अग्नि में अपनी आहुति देने लगा। साधक भक्त भी ऐसे उत्कंठा होनी चाहिए है। यदि भजन करते समय भगवान की स्फूर्ति उनकी लीला व धाम की कृपा की अनुभूति न हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। फिर गुरुदेव कह रहे हैं है, धाम में हम रह रहे हैं क्यों? धाम की तो अनुभूति होनी चाहिए ना, नहीं धाम वास कहाँ हो रहा है? इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, कितना सुंदर गुरुदेव की कथा देखो है। साधक भक्तों की भी ऐसी उत्कंठा होनी चाहिए, गोपाल को मैं सेवा करूं, गोपाल में गोपाल के कृष्ण की सेवा में मेरे जीवन समर्पित हो जाए। यदि भजन करते समय भगवान की स्फूर्ति उनकी लीला और धाम की कृपा की अनुभूति न हो तो हमारा जीवन व्यर्थ है। क्या न अच्छे प्राण किस सुख लगिया नरोत्तम दास कहे क्या नागिलु मरिया, किस लिए हम ये जीवन धारण कर रहे हैं? जीवन धारण की तात्पर्य क्या है? गोविंद की सेवा के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर गौर सुंदर एवं उनकी परिकरों के दर्शन के अभाव से यह कर रहे हैं। पासाने कोटी व माता अनले पोसीब गौरांगेर गुणेर निधि
कोथा गेले पाबो है। हम इसमें कम से कम इसके तो अभाव तो अनुभव करें है। अभाव अनुभव होना चाहिए। जैसे शुद्ध भक्त की महापुरुष की परिकर की संघ को प्राप्त होगा है। ये कहते पासाने कुटुब माथा अनले पशिव गौरांगेर गुणेर निधि कोथा गेले पाबो। आरती दैन हृदय में होना चाहिए। यहाँ प्रसंग बस एक विशेष रूप में विचारणीय है कि श्रील रूप गोस्वामी पाद उत्तमा भक्ति की परिभाषा भी कर अन्ना विलास दसुन्न ज्ञान कर्म धनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। भक्ति के दो लक्षण कहे गए, एक स्वरूप लक्षण एक तृष्णा लक्षण। मैं केवल पढ़ रहा हूँ जो गुरुदेव की शक्ति इसमें है। मैं कहा दूं तो उसमें शक्ति नहीं आएगी। गुरुदेव की कथा जो हम बोलते हैं मेरा यही विश्वास होता है उसमें ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है। हम जब बोलते हैं वो जड़ भाषा हो जाता है, जड़ शब्द होता है, उसमें ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन नहीं है। किंतु जब हम गुरुदेव की कथा जो हम रिपीट करते हैं है? उनकी कथा उसमें ही शक्ति है, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन उसमें रहता है। ये आप समझने के लिए प्रयास करें। कोई उत्तम भागवत की कथा जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं उसमें ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन है जो हम समझ नहीं पाते हैं। बिजली चमकने से और बिजली जहाँ पर पड़ जाते हैं उसको क्या कर देते हैं, जला देती है कि नहीं। पहाड़ के ऊपर पहाड़ के जो उसके भी क्या करते हैं है? जला देते हैं। पेड़ में पड़े पेड़ को भी जला देते हैं। तो उसी प्रकार उत्तम महाभागवत की जो कथा जो है उनकी शब्द जो है वो क्या है, शब्द ब्रह्म कहा जाता है। ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन वो होते रहा है। ये श्रीमद् भागवत कोई साधारण वस्तु नहीं। ये श्रीमद् भागवत की कहा जाता है भगवान की बांग्मय मूर्ति कहा जाता है। बांग्मय मूर्ति समझ में आए, माने साक्षात भगवान शब्द के रूप में ही भक्त अनु हमारे पास प्रकट हो रहे। हम जो भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं वो साक्षात भगवत स्वरूप है। बांग्मय मूर्ति के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए है। हम तो उसके लिए ग्रंथ देख रहे हैं किंतु उत्तम भागवत कथा नहीं, ग्रंथ नहीं, ये साक्षात भगवत स्वरूप ही है बांग्मय मूर्ति के रूप में। जैसे गीता में भगवान कह रहे हैं भगवान उवाच, कौन बोला, स्वयं कृष्ण कह रहे हैं, उनके मुख निश्चित वाणी डायरेक्ट है। इसलिए कहते हैं अधुना इस कलिजुग में स्वयं कृष्ण भागवत के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि छह प्रकार प्रश्न में एक प्रश्न ही था, अंतिम प्रश्न था सधाम व पगते कृष्ण नित्य धाम के चले जाने के बाद धर्म किसको आश्रय लिया है, किसका आश्रय, बोले भागवत धर्म की आश्रय, भागवत की आश्रय है। कितना सुंदर ऐसा विचार दे रहे। इसलिए गुरुदेव की सब ये कथा जो है कितनी मधुर होता है, है? चलो यहाँ पर रंग दिया बंशा गुरु कृपा सिंधु कदिता नाम पाप मधु भविष्य। मैं तो सोचा था कि 6 बजे बंद कर दूँ। महाराज ने इतने मुझे प्रेरणा दी है, अब इन और बोलो मैं बोलते जा रहा हूँ पागल के भांति है। महाराज बोले कृपालु है, अरे बोलो, मैं बोलते मैं तो सोचता हूँ 6 बजे बंद कर दूँ, बोले नहीं और बोलो और बोलो। मैं जब बोलता हूँ भी मैं भी खो जाता हूँ। कोई उत्साह देते हैं ना और भी आनंद आता है। मेरा स्वभाव एक बन गया उसी प्रकार। एक व्यक्ति कोई व्यक्ति बैठ जाए ना कथा बोलने में आनंद लगता है। कभी कथा सुनता भी रहता हूँ, यहाँ पर मैं प्रवचन देता हूँ, मैं वक्ता को खड़े कर दिया, तुम बोलो, उनसे भी सुनता रहता हूँ। ये नहीं जे मैं केवल ही बोलूँ, पहले सबको बुलवाता हूँ
फिर अंत में मैं दो शब्द बोलता रहता, किंतु महाराज जी कृपा करके बोले, बोलो महाराज, बोले ही नहीं मेरे महाराज जी आए हैं, बोले किंतु महाराज जी बोले, बोलो महाराज दो शब्द बोल, कुछ भी बोल दो, हाँ आनंद आता। पहला श्लोक यही पहले श्लोक चल रहा है, नमामि शरणं, यही ये गुरुदेव की, गुरुदेव की जो है अभी तो मैं तो यही इसको ही पढ़ रहा था। माइक दे दो स्टैंड में, हाँ माइक वाला दे दो। हरे कृष्णा। परम पावन कार्तिक महीने में सत्यव्रत मुनि के द्वारा रचित दामोदर अष्टकम का पाठ कर रहे हैं पूजनीय हमारे भक्तिवंत पंत महाराज जी। देखो कार्तिक महीने में विशेष करके कृष्ण कथा सुनने की बड़ी महिमा है, और कृष्ण कथा ही कीर्तन है, यही वास्तव में कीर्तन है। जिनकी इस कथा में रुचि नहीं है वो वाद्य यंत्र के द्वारा कुछ और करने का प्रयास करता है कि नहीं? वास्तव कथा कीर्तन सुखदेव गोस्वामी पाद जी को कीर्तन का, कृष्ण कथा में रुचि होना ही भक्ति का लक्षण है ना। तो इसलिए ये दामोदराष्टकम का पाठ ये कार्तिक का नियम है कि गुरु महाराज जी सुबह सुबह दामोदराष्टकम का पाठ करते थे, और इस प्रकार से दामोदराष्टकम का पाठ हुए बिना दामोदराष्टकम केवल गाते रहेंगे तो उसका मीनिंग ही नहीं पता है क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए इसका तात्पर्य तो समझना पड़ेगा क्या है दामोदराष्टकम में, सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे, कितनी बात कह रहे, कितनी सुंदर सुंदर बात कह रहे। जो पहले ही श्लोक की व्याख्या महाराज जी जो कह रहे थे, अब इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं विशेष करके श्री सत्यव्रत मुनि ने बड़ी सुंदर इसमें स्तुति की, और उसमें श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने उसकी व्याख्या की। तो विशेष करके नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम यशोदा बियोलुकलावमानम परामृष्टमत्यम तथोधत्य गोप्या, इसमें एक एक शब्द में बहुत सारा तात्पर्य है। सनातन गोस्वामी पाद जी ने खुल के उसकी व्याख्या किया। गुरुदेव जैसे महाराज जी कहते थे विभिन्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार से इसी एक ही चीज का रसास्वादन करते थे। अच्छा, स्थूल बुद्धि वालों को तो समझने नहीं आता है कैसे हो सकता है भाई, एक ही गेहूं को आप रोटी पराठा समोसे ये वो तरह तरह से जैसे खाते हो, क्योंकि स्थूल बुद्धि है। तो सूक्ष्म बुद्धि या जिनकी परमार्थ में बुद्धि है वो इस छिद रस को तरह तरह से रसास्वादन करते हैं, इन कथाओं को ही, इन भगवान के लीलाओं को ही विभिन्न प्रकार से पहलुओं से इनको विचार विमर्श करते हुए रस का रसास्वादन करते हैं। तो इसलिए इसमें एक एक शब्द में बहुत सारी चीजें, एक शब्द ही ले लें ये श्लोक में, ततो द्रुत्य अर्थात कृष्ण से भी तेजी से दौड़ पड़ी। तो सनातन गोस्वामी पाद जी ने कहा ये कैसे दौड़ गई, आज तक किसी ने भी कृष्ण से ज्यादा तेजी की कोई भी नहीं दौड़ पाया, तो मैया कैसे दौड़ गई आज कृष्ण से भी तेजी से। तो सनातन गोस्वामी पाद ने बड़े सुंदर व्याख्या किया, वो इसलिए दौड़ी है कि कृष्ण का मैया के प्रति जितना प्रेम है, मैया का कृष्ण के प्रति उससे कई गुना ज्यादा प्रेम होने के कारण, उस प्रेम के कारण वो कृष्ण से भी तेजी से दौड़ करके ततो द्रुत्य परामृष्टि पीछे से मतलब तेजी से दौड़ करके श्री कृष्ण को पकड़ा, परामृष्टम ततो द्रुत गोप्या, तेजी से दौड़ के कृष्ण को पकड़ लिया।
नहीं तो किसी के वश की बात नहीं है कि कृष्ण से भी तेजी से दौड़ पड़े। काल नेमी काल यवन वो तो काल यवन भी मथुरा में दौड़ने का प्रयास किया था, किंतु काल यवन कृष्ण को पकड़ ही नहीं पाए। और जिस प्रकार से महाराज जी दधि मंथन और दाम बंधन लीला का थोड़ा थोड़ा सा स्पर्श की है, ये लीला जो है ये अपने ये आप में ही एक चमत्कार पूर्ण लीला है। और श्री गुरुदेव विशेष करके और विशेष करके परम गुरुदेव भी इस दामोदर अष्टकम को दाम बंधन लीला पर जोर देते थे। क्यों जोर देते थे? उसका कारण ये है कि मैया का पुत्र के प्रति और पुत्र का मां के प्रति जो भाव है, यानी कृष्ण का मैया के प्रति और मैया का कृष्ण के प्रति जो भाव है, प्रीति है, रस है, इस संबंध को, इस सेवा भावना को कोई भी व्यक्ति, संसार के स्थूल से स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति भी, जिसको कोई भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस भाव को समझ सकता। श्रृंगार रस तो नहीं समझ सकता कोई भी व्यक्ति, या सक्य भाव भी इतना जल्दी नहीं समझ आता है, किंतु ये वात्सल्य भाव जो है, कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भक्ति से कुछ भी नहीं पता है, इसे ये संबंध को समझ सकता है। यही कारण है कि परम गुरुदेव हो, श्री गुरुदेव हो, बार बार ये दामोदर अष्टकम दाम बंधन लीला की बड़े विस्तार से व्याख्या करते थे। मैंने कई बार देखा है नए लोगों के सामने ये दाम बंधन लीला, तो लोगों को समझ आता है कि भक्ति रस क्या है, भक्ति क्या है, सेवा भावना क्या है, प्रीति क्या है, सब समझ आता है। तो सत्यव्रत मुनि ने भी यही दामोदर अष्टकम मतलब ये दाम बंधन लीला को वैष्णवों से सुना। ये जो दामोदर अष्टकम है ये कब हुआ? पहले वैष्णवों से सुना, तब याद यानी स्मरण किया, तो तब ये दामोदर अष्टकम के रूप में ये प्रकाशित हुआ। सुना ही नहीं तो कहां से हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा। लाखों सालों में भी आप करते रहोगे कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहला श्रवण, सबसे पहला बैठ के गुरु वैष्णवों से पहले सुनो। गुरु और वैष्णवों के मुकारविंद से जिन्होंने गुरु की सेवा किया है, जिन्होंने गुरु से इस परंपरागत इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, उनके चरणों में बैठ के सुनना, यही भक्ति का प्रारंभिक सीढ़ी। जिसने ये नहीं किया उसको कभी भक्ति क्या है समझ ही नहीं सकता, हो भी नहीं सकता, संभव ही नहीं। वो केवल बाहरी बाहरी चीजों में लगा रहेगा और बाहरी चीजों को हम समझेंगे भक्ति है, जिसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए दाम बंधन लीला दामोदर अष्टकम बहुत जरूरी है। इसलिए कार्तिक महीने में नियम है दामोदर अष्टकम को कीर्तन पाठ और स्मरण करने का नियम। और दामोदर अष्टकम में क्या नहीं है? सब कुछ है। इसमें व्याख्या करने बैठोगे, इसमें इतनी सारी चीजें हैं कि ये केवल गुरु कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से ही ये संभव है समझ पाना, अन्यथा बुद्धि से ज्ञान से इस चीज को नहीं समझ सकते। सत्यव्रत मुनि कैसे प्रारंभिक दशा से कहां लेके जाते हैं, कैसी कैसी भावोदय होता है, जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक राग भजन में, राग भक्ति में प्रवेश पाना किसी के लिए संभव पर नहीं है। यही कारण है कि श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम का नियम बांध दिया। ये श्री ये त्रिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी पाद जी ने नियम बांधा है, कार्तिक महीने में इस दामोदर अष्टकम को करना ही है। तो इसलिए ये दामोदर अष्टकम में रस भरा है। 7-8 श्लोक ही है, किंतु इसमें मतलब गागर में सागर है, सब कुछ है इसमें। राग भजन में कैसे प्रवेश, कैसे प्रारंभिक दशा से कैसे श्रृंगार रस तक भावोन्नति होगी, और कैसे कैसे भावोदय होते हैं, पहले साधन क्या है उसमें, और स्थूल दर्शन क्या, सूक्ष्म दर्शन क्या, और साक्षात दर्शन क्या, तरह तरह की इसमें बातें। इसलिए बड़े ध्यान से जो व्यक्ति सुनेगा, समझेगा, स्मरण करेगा,
तब वो इस राग भक्ति में प्रवेश कर सकता है, तब वो गौड़िया कहलाने लायक हो सकता है। मैं देखता हूं कई लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, तो पता ही नहीं, गुरु से कोई संबंध नहीं, वैष्णवों से कोई संबंध नहीं, यहां क्या दे रहे कुछ पता ही नहीं, बस केवल डोलते रहते हैं, बस क्या होगा पता। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।